Assalamu alaikum everybody and welcome to this amazing session of Coffee with CEO, community service by CEO Club Pakistan and Management House. And I hope you all know that we have recorded more than 300 plus episodes of this Coffee with CEO session. And our objective is कि हम सब ये चाहते हैं कि आप इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर्स को तो आइडियलाइज करते ही हैं, आप वॉरेन बफे, आप बिल गेट्स, इन सब लोगों को तो जानते ही हैं, बट वी रियली वॉन्ट यू टू टेक द इंस्पिरेशन फ्रॉम आर लोकल एंटरप्रेन्योर्स एज वेल. हम सब ये चाहते हैं कि आप हमारे लोकल एंटरप्रेन्योर्स को भी देखें, सुने, समझें और देखिए कि उन्होंने कैसे बहुत छोटे से काम को कितना किस तरह बहुत बड़ा किया. एंड फॉर दैट रीजन वी हैव पेन डाउन इन आर बुक द 800 प्लस स्टोरीज एंड देन वी हैव डन दिस वीडियो शूट ऑफ 300 स्टोरीज इन द फॉर्म ऑफ कॉफी विद सीईओज. बाय द वे आज का कॉफी विद सीईओ इज अ वेरी डिफरेंट वन बिकॉज इट्स अ वेरी वाला स्टोरी, बिल्कुल टैगो स्टोरी जो हम ओपनली नहीं करते हैं और वो फिर एक टैबू स्टोरी जो कि एक खातून सीईओ के साथ है ना. तो शाजिया आपको तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था, आप कैसे आ सकती हैं? यही वाले कुछ एतराजात हैं ना व्हेन यू जॉइन दिस इंडस्ट्री, ऐसा ही कुछ है. सो प्लीज वेलकम शाजिया लोन हु इज द फाउंडर एंड सीईओ फॉर losha.pk. हेलो शाजिया, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और यहाँ आकर. अब ये losha.pk है क्या? सो इन अ पोस्ट यस्टरडे आई सेड गोइंग टू बी द विक्टोरिया सीक्रेट फॉर पाकिस्तान ना, तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए आप इतना बड़ा नाम कैसे दे सकती हैं, क्योंकि मुझे उसको शुगर कोट करना नहीं आ रहा था ना. आई डोंट वांट टू यूज एनी सॉर्ट ऑफ वर्ड के जिससे ये लगे कि हमने कोई गलत सी बात कह दी है. सो बेसिकली losha.pk इज द होइजरी इंडस्ट्री और व्हाट डू यू कॉल दैट इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री को क्या नाम देते हैं शाजिया? एक्चुअली मैंने तो इसे स्टार्ट किया था कीपिंग इन व्यू के औरतें जो हैं वो घर से बैठकर फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ देयर होम इनरवेयर की शॉपिंग कर सकें. इनरवेयर तो अब उसमें यह है कि मेरे लिए ये इट्स अ पीस ऑफ फैब्रिक, इट्स अ पीस ऑफ क्लॉथ, इंटेग्रल पार्ट ऑफ योर ड्रेसिंग. यस, ठीक है, डेली वेयर में यूज़ होता है. तो मुझे इसमें कोई वो वाला फैक्टर नज़र नहीं आता था जो इसे बना दिया गया ओवरऑल. अच्छा, वो अब नहीं, वो तो बहुत बरसों से बनाया. हाँ, हमेशा से, क्योंकि जो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज था वो था ब्रेकिंग द टैबू ना. यस, ब्रेकिंग. तो एंड आई एम वर्किंग ऑन इट, आई डोंट नो हो पाएगा कि नहीं, लेकिन ये है कि आई हैव एटलीस्ट ट्राइड. एंड बट द पॉइंट इज कि व्हेन वी लुक वर्ल्ड वाइड तो लोग तो बहुत सारे जितने भी ब्रांड्स हैं, डेफिनेटली बिकॉज आई नेम विक्टोरिया सीक्रेट बिकॉज दैट्स द ग्लैमरस ब्रांड अक्रॉस, इस तरह तो मर्दों में भी जॉकी हो गया है, देयर सो मेनी, तो वो लोग तो बिल्कुल कोई शर्म महसूस नहीं करते. बिकॉज अगर हम अपने लोकल गारमेंट ब्रांड्स को ले लें, खादी, सफायर, ये जिस तरह हमारी ज़रूरियात हैं, तो इनरवेयर तो उससे भी बड़ी ज़रूरत है ना, बिकॉज उसके बगैर तो कोई भी खातून चल नहीं सकती है. तो बट व्हाई सेलिंग दैट ब्रांड इज सच अ बिग टाइम, ये तो मेरा भी क्वेश्चन है कि वाई. आपका क्वेश्चन है ये पब्लिक के ये साथ? पब्लिक के साथ है. और क्यों? क्योंकि मुझे ये महसूस हुआ कि एक तो मैंने शेयर किया था कि बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, कंसर्न्स थे इसे स्टार्ट करने से पहले, और दूसरा मुझे ये फील हुआ कि दिस इंडस्ट्री इज़ कंट्रोल्ड बाय मेन. इट शुड इन पाकिस्तान इट शुड बी कंट्रोल्ड बाय वुमेन. हु, व्हाई, क्यों? वो वंस दिस इंडस्ट्री इज कंट्रोल्ड बाय मेन फ्रॉम 5 decades जब से पाकिस्तान बना है, तो आपने ये क्यों सोचा? अच्छा, मतलब सॉरी, मैंने इसलिए बिल्कुल मैंने ये इसलिए सोचा क्योंकि आदमियों को औरतों के प्रॉब्लम समझ नहीं आ सकते. Yes. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, देयर शुड बी अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर औरत जाकर अपनी नीड शेयर कर सके कि व्हाट इज हर प्रॉब्लम. वो आदमी को जाके नहीं बता सकती और ना ही उसे समझ आनी है. ठीक है, तो ये बेसिक तब मुझे लगा कि ये तो आदमी को तो समझ ही नहीं आनी, क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्री से कंट्रोल करके बैठी है वो सिर्फ लाइक दे आर ऑल बिजनेस पीपल ना, और ऑब्वियसली कोई था भी नहीं. साफ सी जो बात है, इतना बड़ा गैप था और उसमें यह है कि आपको बेसिक्स में बहुत कुछ मिल जाता था, लेकिन जो जिस तरह आपने नाम लिया विक्टोरिया सीक्रेट का है, कुछ मैं कभी रिलेट नहीं करती, बट आई ट्राई टू फिल द गैप्स. मैंने वो फोकस किया कि क्या अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में. मैंने वहाँ से स्टार्ट नहीं किया कि जो सब बेच रहे हैं वो मैं भी बेचूं. मतलब
कुछ चीजें जो बेसिक्स हैं, देयर आर सम साइजेस यू कैन से, देयर आर समथिंग दैट इज अवेलेबल एवरीवेयर एवरीवेयर एंड दैट इज इजीली अप्रोचेबल टू एवरीवन, उसके लिए नहीं. मगर हमारी 60-70% आवाम ऐसी है जिसको अपनी राइट चीजें नहीं मिल पाती है, तो यू वांटेड that to be accessible to them because of that thing, और उससे पहले उसको उन चीज़ों की awareness ही नहीं है और उसके लिए यहाँ पे कोई proper industry ही नहीं है. क्योंकि अगर हम name down करना चाहें तो क्या आप मुझे industry के 3 या 4 बड़े leaders के नाम बता सकती हैं? अगर पाकिस्तान की बात करें तो सिर्फ मुझे जो बड़े leaders हैं उसमें बस IFG और Triumph ही है. उनका फैशन रेंज जो है ना, हाँ एग्जैक्टली, जो जो बेसिक है वो IFG है, यानी कि जो डेली वेयर में आता है, कॉटन ब्रास में आता है और इस तरह. तो लेकिन ये है कि अब मसला ये है कि औरतें जो हैं उन्हें पता ही नहीं है उन्हें क्या चाहिए और उनका राइट फिट क्या है, क्योंकि जो राइट फिट है वो बहुत ट्रिकी है. आप किसी औरत से बात करें तो वो कहती है कि मुझे ये साइज़ आता है, ठीक है, वो साइज़ वेरी करेगा फैब्रिक की वजह से, ठीक है, उसके डिज़ाइन की वजह से, उसकी कवरेज की वजह से. तो इसी वजह से मैंने फिर अपनी टैगलाइन बनाई कि साइज इज जस्ट अ नंबर, वेयर योर परफेक्ट फिट. सो मतलब दिस नीड टू बी टोल्ड, टेम्ड एंड मतलब टॉट टू द पब्लिक फर्स्ट ना. आपका पहला स्टेप इज टू स्प्रेड द पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द राइट फिट. बिल्कुल. तो फिर उसके बाद आपका काम शुरू होता है ना. तो व्हेन वी आर लुकिंग इनटू द इंडस्ट्री, तो अभी आपको IFG और ट्राइम्प के बाद कोई बड़ा जॉइंट नजर आता ही नहीं. सो हियर इज द इंडस्ट्री गैप, जो कि जिसकी वजह से आपने Losha.pk के शुरू किया. बिल्कुल. नाउ टेल अस के हाउ यू स्टार्टेड, व्हेन यू परसीव दिस आइडिया दैट यू विल बी डूइंग समथिंग इन दिस अंडरगारमेंट ब्रांड. एक्चुअली मेरी प्रोफेशनल एजुकेशन तो नहीं थी इसके लिए. हाँ, बिकॉज समथिंग अबाउट बिकॉज आप कौन हैं, आपने क्या किया, बिकॉज आई एम अ डॉक्टर. तो MBBS और BDS और व्हाट? MBBS. तो सीरियसली? सो या, तो अब उसमें ये था कि मुझे, मैं काफ़ी सालों से अपनी फैमिली को ज्वाइन कर चुकी थी बिजनेस में, लेकिन मुझे ये फील होता था बिकॉज मैंने अपना प्रोफेशन परसू नहीं किया, तो मैं पूछती थी कि मेरी अचीवमेंट क्या है, ठीक है, हाँ मेरी अपनी अचीवमेंट क्या है. यस, आई वाज इन द बिजनेस फ्रॉम द लास्ट लाइक 18 इयर्स, बट नॉट दिस आई स्टार्टेड लाइक 5 इयर्स. या, आई वाज अ पार्ट ऑफ इट. तो फिर लाइक आई वाज मैनेजर ऑपरेशंस, लाइक GM ऑपरेशंस फॉर मैनी ईयर्स. तो लेकिन मुझे अपनी ना उस तरह से अचीवमेंट नहीं फील होती, क्योंकि जिस तरह डॉक्टर है ना, हाँ कुछ अपना नहीं था. अच्छा, फिर इस पर बहुत सालों से डिस्कशन हो रही थी मेरे हस्बैंड के साथ, एंड ही वॉज लाइक कि तुम कर सकती हो, औरतों को बहुत ज़रूरत है, तो यू शुड. तो फिर मैंने बोला मेरी फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये. तो उन्होंने मुझे साथ ही काटा और कहा कि डू यू थिंक कि जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो हैं, उनकी फॉर्मल एजुकेशन होती है. लेकिन फिर दूसरी बात ये कि इट वाज मोर अबाउट बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, बिकॉज आई वाज आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम. इट वाज नॉट मेयर अ बिजनेस लाइक कि जी मैंने ये करना है और ये बेचना है. नो, आई वाज आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम और मुझे उसका सोल्यूशन देना था पब्लिक को कि भाई ये है आपका सोल्यूशन. आप सोचिए, इट्स माई 5th ईयर और अभी तक हमारी जो एजेंट्स हैं वो हर कॉल पर बंदी को बताते हैं कि ये सही नहीं है. प्लीज समझ जाना. हाँ. अच्छा, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, बट भाई कपड़ा बेचती, जूता बेचती, हेयर क्लिप बेचती, कॉस्मेटिक बेचती, आई मीन आईलैशेस, और यू कुड सेल ग्लास, और यू कुड हैव ओपन्ड अप एन रेस्टोरेंट. हाउ यू केम टू दिस आइडिया? क्योंकि सेलिंग ऑल दीज प्रोडक्ट्स जो है ना, उनका आपकी जिंदगी पे ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं है. But because 8 out of 10 women wear wrong bra size without even knowing it. फिर उसके साथ उसके health related जो concerns हैं वो, और keeping that all in mind, तो फिर मैंने इसी को select किया. और एक और चीज़, जब मैं पढ़ रही थी medical college में, तो तब मुझे पता था कि breast cancer patients के लिए कुछ available नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें ये था कि उनको बचा तो दिया जाता है, लाइक उनकी ज़िंदगी बचा ली जाती है, पर वो बिल्कुल एंटी सोशल हो जाती हैं. उन्हें यूँ लगता है दे डोंट वॉन्ट टू लिव, ठीक है,
हाँ देर बिकॉज वो बिल्कुल एंटी सोशल हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि उनकी अब ज़िंदगी जो है बस ख़त्म हो गई है. तो मैं सोचती थी कि सिर्फ बचाने तक डॉक्टर्स का काम नहीं होना चाहिए, इससे थोड़ा आगे करना चाहिए. तो ये मेरे जहन में था, तो इस वजह से तो था तो ये जहन में, तो फिर इंडस्ट्री तो सेम ही थी, ठीक है ना, अंडर गारमेंट्स ही थे. तो जब ये हुआ तो उसके साथ फिर और रिलेट हो गया. योर फर्स्ट अट्रैक्शन टू इट वाज दैट यू वांटेड टू क्रिएट समथिंग फॉर दोस कैंसर पेशेंट्स कि जिससे आप उनको कोई सपोर्ट दे सकें कि वो नॉर्मल आफ्टर सर्जरी, यानी कि दे आर द सर्वाइवर्स ना, ठीक है, तो वो जो सर्वाइवर्स हैं उन्हें कोई नॉर्मल कर सकें ना, फंक्शन में जा सकें, कुछ कर सकें और उन्हें अपने आप को छुपाना ना पड़े. तो यहाँ से ये चीज़ स्टार्ट हुई, दैट्स व्हाई आई चोज दिस. एंड दिस स्टार्टेड हाउ मेनी इयर्स बैक? आई स्टार्टेड 5 years बैक. नहीं, ये क्योंकि उसमें ये था कि वुमेन के जो प्लस साइजेस हैं वो अवेलेबल नहीं थे. रिसर्च होती गई ना कि और क्या. सॉरी, बट यू मतलब 10 साल ये किया जो आप कहती हैं कि कैसे? तो वो कैसे में गुजरे, क्योंकि टैबू जो था वो इतना बड़ा था कि समझ नहीं आई. फिर उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर किया कि भाई कोई बात नहीं. डस दिस मीन दैट यू स्पेंड दोस 10 years? मैं सही बता रही हूँ. आप किसी से भी पूछ सकते. इन 10 साल में आपने रिसर्च की, आप घूमी फिरी, आपने समझा, फिर ये सब कुछ किया. लेकिन जब ये जब मैंने अपना, आप समझे, 10 साल में मैंने अपना माइंड बनाया और चीज़ें आइडेंटिफाई की कि इन इनको ज़रूरत है, ठीक है. उसके बाद जब मैंने ये स्टार्ट कर दिया, इवन आफ्टर गोइंग लाइव, फिर मेरी जो है ना वो समझ लें लर्निंग शुरू हो गई, जिसमें कि प्रैक्टिकली हाँ एग्जैक्टली. तो जब आप सुनते हैं और होता है, जब आप खुद उसे एक्सपीरियंस करते हैं तो वो और होता है. तो फिर मैंने वही कि फिर मेरे टूर्स पूरी दुनिया, ऑल अराउंड द ग्लोब. फिर उसमें ये है कि कपड़े से स्टार्ट होना और फिर फैक्ट्री एंड तक जाना कि जी फाइनल प्रोडक्ट कैसे, अच्छा फिर उसमें लॉजिस्टिक्स, फिर इम्पोर्ट कैसे होनी है, बिकॉज इट्स ऑल इम्पोर्टेड. आई डोंट डू एनी लोकल प्रोडक्शन, नो आई डोंट. तो उसमें यह है कि वो इतनी ज़्यादा चीज़ें थीं और मुझे, आप समझ लें, एक बीमारी है कि चाहे मैं उस पर लोग असाइन कर दूँ, बट आई वॉन्ट टू लर्न द प्रोसेस. बिकॉज जब तक मुझे पूरी बात समझ नहीं आती ना कि वो कहें वो बस इसमें ही होता है, नो आई वॉन्ट टू नो द बैकग्राउंड. सो हाउ इज योर मतलब वर्क एक्सपीरियंस ऑफ गोइंग ऑनलाइन ना, मतलब यू आर मोर इनटू सेलिंग ऑनलाइन ना, या इज इट सो? या द 80% इज ऑनलाइन एंड 20% इज रिटेल. रिटेल में आप कब से आई हैं? अच्छा, रिटेल मैंने 2 साल पहले शुरू की, क्योंकि उसमें ये था कि मुझे ना कुछ कस्टमर्स ऐसे थे जिसमें मैं कह रही हूँ, वी हैव लाइक 19 डिफरेंट बॉडी टाइप्स. उसमें से जो 9 प्रोफाइल्स हैं ना बॉडी के, वो दे आर कॉमन. 19 में से 9 आर कॉमन, आर कॉमन प्रोफाइल्स. हाँ, 10 आर लाइक रेयर. तो वो जो 9 है ना, उनको अगर आप फोकस करें, अगर तो एक ख़ास रेंज में आती हैं कुछ परसेंटेज ना ख़वातीन की, तो उसमें तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है. दे गो शॉप ऑनलाइन, कहीं से भी ले लें, दे विल गेट देयर. हाँ, दे इन अ पार्ट वेदर दे आर परचेजिंग, नो दे विल गेट, हाँ एग्जैक्टली, चीपर वन और द एक्सपेंसिव वन, इट्स ओके फॉर देम, बिकॉज दे विल गेट देयर परफेक्ट फिट, बिकॉज उनका साइज ही वो है, ठीक है. हाँ, तो लेकिन वो जो 9 डिफरेंट बॉडी प्रोफाइल्स हैं, उनको प्रॉब्लम है. अच्छा, अब इसको ये है कि हम इसको आप फोन पर भी करना, अब कुछ कस्टमर्स हैं जो कि फ्यू वेमेन दे कैन नॉट बाय विदाउट सीइंग द प्रोडक्ट, टचिंग द प्रोडक्ट एंड विदाउट ट्राइंग द प्रोडक्ट. हाँ, तो उसको कीपिंग दैट इन व्यू हमने फिर सोचा कि एक स्टोर खोल लेते हैं. अच्छा, आई ओपन अ फ्लैगशिप स्टोर, अ 5-storied बिल्डिंग. तो मेरा, क्योंकि आई हैड सो मच टू डिस्प्ले, एग्जैक्टली, तो वो समझ ही नहीं आता था वो डिस्प्ले कैसे होगा. और वो फिर मेरी गुड लक थी कि वो, क्योंकि फ्लोर्स थे, तो फिर मैंने सोचा कि आई शुड हैव अ फ्लैट, वन फ्लोर शॉप. तो वो मैंने बंद किया और उसके बाद कोविड हो गया. तो अभी आई वॉज लाइक सर्चिंग फॉर न्यू प्लेस, तो कोविड स्टार्ट हो गया. नो, आई एम हैविंग, दैट इज माई शॉप एंड शॉप्स, दैट्स अ डिफरेंट मॉडल, दैट वॉज माई फ्लैगशिप स्टोर. तो फिर ये कि कुछ ग्रुप्स जो थे बड़े, वो उन्होंने कॉन्टैक्ट किया, या एंड दे वर लाइक, दे वर
कुछ का तो यूं था कि दे वर हैविंग लॉन्जरे सेक्शन एंड दे वांटेड टू ऐड माई ब्रांड इन देयर, और कुछ का ये था कि बस उन्होंने मुझी से कोलैबोरेशन की. ठीक है, यू सी losha.pk 5 years down the road. एक्चुअली एक्सपेंशन इसमें इतनी ज़्यादा है बिकॉज एज आई टोल्ड यू द मार्केट इज सो बिग एंड देयर इज नो नॉट एग्जैक्टली इंडस्ट्री, तो वो आप देख लें नेक्स्ट ईयर फिर बैठ जाएंगे. अच्छा, ओके. डू यू बिलीव इन ट्रेनिंग एंड मेंटोरिंग योर स्टाफ? क्योंकि अगर आपकी वो लड़की या वो लोग उस तरह की कस्टमर ओरिएंटेड नहीं होंगे तो पहले ही एक तो सेल्फ अवेयरनेस आपको, जैसे हमने बात की, हाउ मच यू बिलीव इन ट्रेनिंग देम? मैं तो टोटल मेरा फोकस होता है टू ट्रेन वुमेन. टू टेल यू द ट्रूथ, लाइक जो मेरी सेल्स गर्ल हैं जिन जिन स्पॉट्स पे खड़ी हैं, आई ऑलवेज ट्रेन देम माई सेल्फ. यू? या आई स्टार्ट, यानी कि पहली ट्रेनिंग सेशंस जो हैं 4-5 वो मेरे होते हैं एंड देन माई अदर टीम दे टेक ओवर, बिकॉज फिर वो उनसे फ़ोन पे कनेक्टेड होती हैं, दे आर हैविंग सम इशू इन द शॉप और वट एवर, सो दे जस्ट आस्क क्वेश्चंस. और अभी मेरी कुछ जो पुरानी सेल्स गर्ल हैं, दे आर लाइक के आप हर फ्राइडे को हमें सेशन दिया करें, तो दैट इज़ गुड बिकॉज न्यू प्रोडक्ट्स कम्स इन, तो फिर आपको बताना पड़ता है कि इस प्रोडक्ट में और उस प्रोडक्ट में क्या फ़र्क है और डिफरेंट चीज़ें. तो मेरा तो इसमें बहुत फर्म बिलीव है कि ट्रेनिंग अच्छा. और दूसरी बात ये कि जो मैं करना चाह रही हूँ, जिस तरह आई एम ट्राइंग टू स्प्रेड अवेयरनेस एंड फोकसिंग वेमेन इशूज़ एंड स्टफ लाइक दैट, तो वो तो ट्रेनिंग के बगैर नहीं हो सकता कि आप अपने कस्टमर की नीड ही ना समझ सकें और उसे बता ही ना सकें कि भाई आपको क्या चाहिए, कि दिस इज़ व्हाट यू एक्चुअली वांट एंड दिस विल सूट यू, तो उसके फिर तो फ़ायदा नहीं है, फिर तो सब कर रहे हैं. व्हाट आर द 3 कॉम्पिटेंसीज यू थिंक अ सीईओ मस्ट हैव कोर टू बिजनेस? यू सर्व्ड योर फैमिली बिजनेस, नाउ यू आर हैविंग योर ओन बिजनेस. देखें, एक तो ये कि आपको फोकस आपका ठीक है वो लूज़ नहीं करना चाहिए आपको जो सीईओ है. सेकेंडली ये कि जो क्रेजीनेस है ठीक है, वो अगर इफ़ यू मिस दैट यू आर गोइंग नोवेयर. ठीक है, थर्ड इज़ मैं जो फोकस करती हूँ दैट इज़ एक्सेलेंस, परफेक्शन. हाँ, क्योंकि मुझे ये है कि यू आप जो मर्जी काम कर लें, आप कुछ भी पिक कर लें, यू नीड टू अचीव एक्सेलेंस. एंड so what do you want to improve in yourself as in a CEO? Main khud mein kya change lana hai waise to I know you need to come more on camera and all. Ek wo to hai ki aapne ab Losha ki you need to come more on board, magar iske alawa jo main sochti hu usme mujhe ye hai ki mujhe खुद काम अब कम करना है और लोगों से ज़्यादा कराना है, और इन द कमिंग ईयर्स आई माइट हायर अ सीईओ टू वर्क, दैट्स प्रीटी कूल, बिकॉज मैं इस कंपनी को उस जगह तक ले जाना चाहती हूँ. तो उसके बाद सो नाउ यू टेल मी, कोई ऐसा इंसिडेंट जब आपने सोचा यार ये तो बड़ा ही losha.pk, मतलब आई पिक्ड अप अ रॉन्ग इंडस्ट्री, कोई ऐसा किसी ने बहुत ही तंग कर दिया हो कि भाई तुमने तो बड़ा ही कोई बुरा काम कर दिया? टू मेनी. हाँ, टू मेनी. कोई 2-3 वाक्या व्हिच यू वांट टू शेयर इन वेरी शॉर्ट स्टोरी? नहीं, बस वो डे वन से इसी तरह था ना कि हाँ इसी तरह था. कोई बड़ी कोई कमाल डिस्करेजमेंट हमें बताए ना कि भाई एक तो अंडरगारमेंट, ऊपर से खातून, ऊपर से तुमने लाइफ चला दिया, फिर तुमने भाई मतलब सॉरी टू से शर्म नहीं आती वाला सीन, बहुत डिस्करेजिंग कमेंट. ऐसी डिस्करेजमेंट जो आपको मिली हो, कोई मौलवी अंकल मिल गए हो या कोई रिश्तेदार ऐसे हो, या होता है ना कि तुम लोग ऐसे ही कर दिया, ये क्या हो गया? हाँ, वो यानी कि फ्रेंड्स में से आई. अच्छा, क्या उन्होंने कहा, कोई ऐसी चीज जो आप कोट करना चाहें? उन्होंने कहा अब ये भी करेंगे आप लोग बिजनेस, यही रह गया था आपको ये बेचोगे. हाँ, यानी कि हमने ये नहीं सोचा था कि अब तुम इस लेवल तक आ जाओगे, ये बेचोगे. हाँ, सही कहा उन्होंने. अच्छा, और फिर ये था कि जिस तरह मैंने बताया कि ऑनलाइन के साथ बहुत चैलेंजेस थे, तो जो ऑनलाइन पे फिर हैरेसमेंट थी, दैट वाज बिग, यस, टू मच. और अब तो ऑनलाइन हैरेसमेंट, लाइक लोग टाइम पास करने आते हैं कि इट्स इनरवेयर वेबसाइट यहाँ पर, क्योंकि मेरी जो जितनी भी टीम है सपोर्ट है दैट इज़ बाय वुमेन. अच्छा, उसमें फिर बीच में हुआ यानी कि लड़के लड़की भी आ जाते हैं, तो उसमें ये हुआ कि अब उसे ना आप वो कर दें कि हम जिस
वो लड़कों के लिए लड़का रख देना, तो अब आपको कैसे पता चलेगा वो लड़का है? अगर हम ये कह दें कि वी हैव लड़के भी, तो फिर औरतें अनकंफर्टेबल हो जाती हैं. तो जस्ट टू कीप देम कंफर्टेबल हमने सोचा हम झेलेंगे. तो उसमें फिर ना हमने ये किया, या इट्स अ वेरी बिग इशू. और इवन हम साइबर क्राइम से भी सपोर्ट ले लेते हैं अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो तो. मतलब यूजुअली व्हाट गाइस डू कि दे कीप ऑन इंक्वायरिंग फजूल स्टफ बाय यू गाइस, फजूल स्टफ, दे विल स्टार्ट सेंडिंग पिक्चर्स, दे विल जस्ट आस्क यू इररिलेवेंट क्वेश्चन, इंडिसेंट पिक्चर्स, या तो. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के जो मेरी टीम है, दे आर ऑल लाइक दे नो हाउ टू हैंडल दिस, या दे आर प्रिपेयर्ड. पहले बहुत मसला हुआ, बच्चियां जो हैं वो परेशान हो जाती थी, एंड दे वर लाइक ये क्या है, वो तो अगर आप लोग साइबर क्राइम और ऐसे ना, अगर उसको टैक्टफुली ना डील करो तो वो तो बड़ा कोई खराब किस्सा. बिल्कुल ऐसे ही. तो फिर ये है कि अब हम ये करते हैं कि जी अगर कोई इस तरह बहुत करे तो हम आईपीज उनके शेयर कर लेते हैं कि भाई हमें यहाँ से प्रॉब्लम हो रही है. तो लेकिन यह कि शुरू में बहुत ज्यादा था, अब वो कम हो गया, उसकी परसेंटेज कम हो गई. हाँ. अच्छा, फिर मुझे ये अच्छा नहीं लगता था, लाइक जिस पे आप कह रही हो कि कब कब लगा छोड़ देना हाँ. चाहिए. मुझे होता था कि यार आई एम ट्राइंग टू सर्व वुमेन इन पाकिस्तान, ठीक है, मैं पेन ले रही हूँ कि वो सुकून में आ जाए. तो अब उसके लिए मुझे ये सब भी करना पड़ेगा, और लोग मेरे बिजनेस के साथ किसी ऐसी चीज को अटैच कर देंगे कि भाई यूं है. तो ये बहुत पॉइंट था. हाँ एग्जैक्टली. तो ये पॉइंट था जो मुझे फिर बिल्कुल डिप्रेस कर देता था कि आई शुड लाइक स्टॉप. और कितने इस तरह की स्टेजेस आए कि मैंने कहा नहीं, नो मोर. तो लेकिन एक और बात बताई कि मतलब बहुत सारे लोगों ने फजूल फजूल चीजों के नाम लेके कहा हाँ. इसका मतलब है तुम अपनी साइट पे, वेबसाइट पे ये फजूल चीजें भी बेचोगे. हाँ, exactly. मतलब आई डोंट कांट नेम दोस थिंग्स, मगर ये कि नाम लगाने को तो भाई मुंह से कह देना, तो आप किसी का मुंह तो नहीं रोक सकते. और एक फीमेल एंटरप्रेन्योर को बजाय सपोर्ट करने के, वो भी जो कि एक अच्छा प्रोडक्ट, हाँ, जो कि वो बाहर से ढूंढ के बेस्टेस्ट प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, उनको बजाय के इनकरेज करने के, हाउ पीपल डिस्करेज. चलिए, ये तो आपने हमें बताया हाउ यू फेल्ट डिस्करेज. टेल अस टू मोमेंट्स व्हेन यू फेल्ट इनकरेज कि वाओ आई हैव डन समथिंग. अच्छा, जो सबसे पहली है, दिस इज लाइक व्हेन यू सी अ ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट वॉकिंग इन योर ऑफिस विद सो मच डिप्रेशन ऑन हर फेस, ठीक है, वही लाइफलेस है, सब कुछ है, एंड व्हेन शी वॉक्स आउट विद अ कॉन्फिडेंस, ठीक है, वो अच्छा. और जब औरतें जो हैं वो खुद से हमारा शुक्रिया करना शुरू कर देती थी कि यू हैव सॉल्व दिस इशू, तो वो मोमेंट्स होती थी विच केप्ट मी गोइंग कि भाई ये तो कितना अच्छा है ना. अच्छा, ये तो हमने सारी बात की कि एक आपने माइनस बताया, बहुत एडवर्स साइड हमने डिस्कस की, दैट हाउ सोसाइटी डिस्करेज्ड, ठीक है, मगर नाउ लेट्स एंटरप्रेन्योरशिप साइड, द बिजनेस साइड. So there was a huge industry gap. You stepped in. Yes, a female entrepreneur into a taboo industry. मगर जिसमें gap बहुत ज़्यादा था. तो जब आप ये products market में लेके आए, तो market में तो ज़रूरत थी ना. There was a demand. बिल्कुल. There was a gap. बताइए क्या financial impact में जब आप वो product लेके आए, तो उसकी acceptability आई product की. हाँ. वो आई. तो मतलब इसका मतलब है कि financially तो आपकी company stable रही ना. इंडस्ट्री में एक्सेप्टेबिलिटी है, तो मतलब इट्स अ वेरी ग्रोथ वाइज इट्स अ गुड इंडस्ट्री. हाँ, इट्स अ ग्रोथ. सो कमेंट ऑन द इंडस्ट्री. हाँ, इट्स अ वेरी, जिस तरह मैंने कहा कि मार्केट इज सो बिग, इफ यू स्टार्ट काउंटिंग नंबर्स तो आपसे जीरो काउंट नहीं होंगे, ठीक है. अच्छा. द गैप इज सो बिग, तो लिहाजा इसमें कोई एक प्लेयर तो चलेगा भी नहीं. अच्छा. यानी कि एज मेनी फॉर द पीपल हु आर लुकिंग इवन फॉर. हाँ, एग्जैक्टली, बिकॉज आई हैव नो फियर फॉर दैट, बिकॉज बहुत ज्यादा बड़ा गैप है और ज़रूरत है उन चीज़ों की. तो लेकिन क्योंकि जो मैं कर रही हूँ कि अवेयरनेस, और एक एक कस्टमर पर इतना टाइम स्पेंड होता है जस्ट टू कैलकुलेट हर राइट फिट, और वो कब तक चलता है, यू डिस्पैच द प्रोडक्ट, उसे मिल गई, उसने पहन ली, उसने आपको शुक्रिया का खत लिखा, और फिर वो कि हम सैटिस्फाइड. हाँ, मगर अभी इसमें एक और देर इज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन द चाइनीज एंड लो चीप प्रोडक्ट्स, एंड देन यू आर ऑलवेज स्पीकिंग कि आप एक बेहतर प्रोडक्ट लाते हो, और बहुत सारे लोग इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं मगर वो चीपर होते हैं. तो वो कंपैरिजन क्या कंपैरिजन? अच्छा, वो कंपैरिजन ये है कि जिस तरह मैं चाइना भी बहुत बहुत महीना महीना रही जाकर, तो मैंने देखा, अच्छा उसमें ये था कि दे डोंट हैव साइज वेरिएशन ना. Okay. जो उनके प्रोडक्ट बनती है वो उनकी बॉडी टाइप पे बनती है. ठीक है. लेकिन हर जगह, जैसा मैं रो रही हूँ कि हमारी बॉडी टाइप पर नहीं है,
तो मैं उसको फोकस करना चाह रही हूँ. तो उन्होंने जो बना लिया वो उन्होंने अपनी बॉडी टाइप पे बनाया. अब अगर हम वो पिक करके यहाँ पर भेजने की कोशिश करेंगे तो वो तो दैट्स अ रॉन्ग फिट ना. नो बट ठीक है, बट एवर यू आर इम्पोर्टिंग वो भी तो आप कहीं से. बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी मेरा मैं अराउंड द ग्लोब कर रही हूँ, जिस तरह बांग्लादेश कर रही हूँ, श्रीलंका कर रही हूँ, यूएसए इम्पोर्ट करती हूँ और चाइना कर रही हूँ. अब मसला ये, अब लोग क्वेश्चन करते हैं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, लोग पूछते हैं कि वो भी तो चाइनीज हैं, आपकी पर भी मेड इन चाइना है, तो फ़र्क क्या है? फ़र्क फिट का है. देखिए एप्पल जो है दैट इज़ मेड इन चाइना डिजाइंड इन कैलिफोर्निया, ठीक है? तो ये बिल्कुल इसी तरह है. तो एवरीथिंग इज़ मेड इन चाइना ऑलमोस्ट, लेकिन ये आपको ये समझना है कि व्हाट यू आर पिकिंग फ्रॉम देयर. तो अगर आप उसे सिर्फ अपने साइज चार्ट पर प्रोडक्ट को बनवाते हैं जो कि हमारी बॉडी टाइप के लिए है, तो यू आर गेटिंग अ परफेक्ट थिंग. अच्छा वो एक्सपेंसिव है, बातें आपको कंज्यूमर कैसे समझेगा? ये उसे समझाते हैं ना. क्यों वो समझेगा? तब जब उसके पास दोनों प्रोडक्ट्स हाथ में होंगी. उसे हमें नहीं समझाना. देखें जब अब कई दफ़ा क्या होता है कि कुछ लोग इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि अगर वो चाइनीज़ में एक साइज़ खरीद रहे हैं, वो खरीद रहे हैं जो कंज्यूमर है, और वो वही साइज़ आपके पास ऑर्डर कर देता है, उसने हमसे पूछा भी नहीं, उसने कहा हाँ मेरा ऑर्डर कन्फर्म है, आप इससे जी डिस्पैच कर दें. तो जब वो उसके पास गया तो उसने कहा ये तो इतना बड़ा था, ठीक है, देन फिर वो रियलाइज़ करता है कि वो जो पहन रहा था वो तो गलत था, तो उसका साइज़ कुछ और बन रहा है. तो ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है. जब उसके पास दोनों प्रोडक्ट्स हैं तो वो खुद ही उसे समझ आ जाती है कि क्या है. लेकिन ऑब्वियसली आई डू सम वीडियोस जिसमें कि मैं कुछ कुछ इश्यूज बताती हूँ जो क्वेश्चंस होते हैं लोगों के, तो उसमें फिर मैं ये चाइनीज प्रोडक्ट और उसके जो साइज डिफरेंस है हमारा और उनका, तो वो भी अब दिखाई दूंगी, क्योंकि बहुत क्वेश्चन. आप सही कह रही हैं, लेकिन उसमें यह है कि आई विल डू इट अगेन बट मे बी इन अ बेटर वे. इन अ बेटर वे. मगर ये पहला वाला आंसर जो एकदम दिल से निकला था वो कैसे हुआ था और वो क्यों आपने वो इसी वजह से था. टैबू की सारी चीजें घूम फिर के टैबू पर आती हैं. टैबू पे आती हैं. आती हैं. So, मतलब टैबू होना इज नॉट इजी टू हैंडल. नॉट इजी टू हैंडल. और वो ये क्योंकि मुझे फैमिली सपोर्ट थी, मेरे हस्बैंड की बहुत सपोर्ट थी, तो इस वजह से मैं बहुत चीजों के लिए ना, आप समझो आपके इर्द गिर्द शील रहती है. हाँ तो मैं उसके लिए प्रिपेयर थी और मेरे ख्याल से अभी काफ़ी कुछ मुझ तक नहीं भी पहुंचा होगा बिकॉज ऑफ सपोर्ट, बिकॉज ऑफ द शील्ड. यस. और ये बहुत यानी कि और अगर उनकी इस तरह की सपोर्ट ना होती और मेरे माँ बाप की दुआएं ना होती तो मैं आज जो कर रही हूँ यहाँ तक कभी ना पहुँचती. इसके साथ आप और क्या लेके आना चाहेंगी? कॉस्मेटिक और शूज, आई डोंट नो, मतलब व्हाट अदर फीमेल थिंग्स व्हिच वी वुड लाइक टू ऐड अप. वो मैंने कहा ना बहुत वास्ट है इसकी जो स्प्रेड है उसमें, क्योंकि मैटरनिटी भी आता है, फिर वो न्यू बॉर्न्स आते हैं, ठीक है ना. तो इससे अटैच देखें स्टार्ट कहाँ से किया, ट्रेनिंग उससे ट्रेनिंग ब्रा से, और उसके बाद वो गया फिर बच्चियाँ स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग आई, फिर शादी से पहले आई, ठीक है, फिर वो प्रेगनेंसी में आई, तो मतलब उसके बाद हाँ दैट्स हाउ. तो ये इसी तरह. तो अच्छा क्योंकि मेरा फोकस यही था कि दे शुड फाइंड एवरीथिंग अंडर वन रूफ ना, और यही के चले जिसको उसका राइट फिट पता चल जाता है, दे आर इजी, दे आर कंफर्टेबल, दे जस्ट. अच्छा यूजुअली होता है कि फर्स्ट ऑर्डर इज स्मॉल और सेकंड ऑर्डर इतना लंबा होता है क्योंकि दे नो द प्रोडक्ट, दे नो देयर राइट फिट. हाँ तो दे कैन ऑलवेज ऑर्डर. तो बेहतर नहीं था, यू आर फ्रॉम फ्रॉम एन एंटरप्रेन्योर फैमिली एंड देन यू वर वर्किंग एज जनरल मैनेजर ऑपरेशन एज वेल, अच्छा था कि आप भी आराम से किटी पार्टीज में जाती, रात को डिनर्स पे जाती, हर साल अपने फर्नीचर्स चेंज करती, तो व्हाई, क्यों आपको ये कीड़ा जागा? और वो जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है ना, यू डिड दैट फॉर यूजुअली शायद हमारे आप पाकिस्तान में ख्वातीन में ये सेंस ऑफ अचीवमेंट लाने की हमें ज़रूरत है. बिल्कुल ऐसे ही. और मेरा जिस तरह जो अब मैं देखती हूँ यूथ में जो चीज़ें मिसिंग हैं, तो उसमें ये है कि अब मुझ में अच्छी बात क्या है कि ऑब्वियसली सौ बुराइयाँ भी होंगी, लेकिन मुझ में अच्छी बात यह है कि मैं ना जो मुझ में एबिलिटी टू एक्सेप्ट है और जो एबिलिटी टू चेंज है वो बहुत ज़्यादा है. क्या आई एम ओपन टू इट? आप मुझे कन्विंस कर लें कि ये बात सही है तो मैं कभी आपसे बहस नहीं करूँगी. हाँ इफ़ इट्स लाइक राइट, आप सही कह रहे हो,
जो हमारी नई यूथ है ना उसमें ना तो एबिलिटी टू एक्सेप्ट है और ना एबिलिटी टू चेंज है. एंड दैट्स व्हाट दे नीड टू लर्न ना. हाँ दैट्स व्हाट दे नीड टू लर्न. और अभी जो आने वाले बच्चे हैं उनमें भी मैं जब सोचती हूँ तो, और जो वर्स्ट हमने उनके साथ किया वो ये था कि हमने उन्हें उनके कम्फर्ट जोन में रहने दिया. ओह यस ठीक है. बिल्कुल. तो आपने उन्हें वो चीज बना दिया कि जो आपके बगैर सर्वाइव भी नहीं कर सकेंगे. जब नाउ द रैपिड फायर योर फेवरेट बुक और मूवी. डू यू रीड बुक्स? नो आई डोंट. फेवरेट मूवी? मुश्किल है. यू डोंट वॉच मूवी? नो बिकॉज मुझे टाइम नहीं मिलता. योर फेवरेट कलर? पर्पल. योर फेवरेट फूड? I like experimenting. Like मुझे देसी फूड इतना पसंद नहीं है. Okay. What do you notice when you meet someone? Two things you notice. I try not to judge. Yeah. But still, two turn-ons when you meet someone. Aura. Aura. Turn-offs when you meet someone. Overconfidence. Success. What do you think bring success in life? Focus excellence. Hmm? Focus excellence. Hmm. Your idea of happiness? State of mind hai. Lekin if you are giving maximum energy, time, and you're to some person or some if you're giving maximum time or focusing anything and that gives you happiness. Galat bol. You want to go to? Huh? You want to go to? You want to go anywhere? Matlab your favorite destination? Never thought. Nah, acha okay. So losha.pk means this to you. Dash to you. It's my baby. Oh, okay. So your message of hope and optimism for the youth. Especially to the women. Choti ladkiyan, bachiyan, ya wo khawateen jo kuch karna chahti hain. वो मैं ये रेपिटेशन ही हो जाएगी. जस्ट आई वाज सेइंग के इफ़ यू वांट टू डू समथिंग, क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें करना है पर वो उसके लिए कोई एफर्ट नहीं करते ना. और आपको वही कि उनमें ना वो क्रेजीनेस नज़र आती है बट दे कीप ऑन रिपीटिंग कि आई वांट टू डू दिस. तो उसमें ये है कि इफ़ यू यस यस आई थॉट कुछ गलत हो गया. Actually, you are speaking what we talk about. Acha. We have talked about it. It's Achha. Okay. नहीं वो इसी तरह वो मैंने भी जिंदगी में लर्न किया था कि आपका एक फ्रेंड आपको मिलता है तो वो कहता है कि यार मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है. ठीक है मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है. अच्छा जब उसे चांस मिले आप उसे कहते हो अच्छा ठीक है तुम फिर फलानी जगह का वीज़ा अप्लाई करो. कहते हैं मैंने तो पासपोर्ट ही नहीं बनाया. तो दे आर लाइक लाइंग. ठीक है तो इफ़ यू वॉन्ट कि अगर आप वाकई ही कुछ करना चाहते हैं तो फिर आप में वो हंगर जो है ना वो कम्युनिकेट होना चाहिए. और अगर आप में वो हंगर नहीं है और आप कहते हैं कि नहीं जी मुझे तो करने का बहुत शौक है आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे दैट्स रॉन्ग. एक तो ये कि बच्चे फोकस बहुत जल्दी लूज़ करते हैं. अगर वो फोकस करें और उसे अचीव और उनमें वो क्रेजीनेस हो और वो हंगर हो तो दे'ल रीच देयर. और वो जितनी मर्जी दफ़ा फेल हों डजेंट मैटर एटलीस्ट दे ट्राइड. पर यहाँ पर मसला ये है कि फेलियर का यूथ को इतना खौफ है कि दे डोंट इवन वांट टू ट्राई. तो ये मैं कहूँगी कि दे शुड ट्राई. अगर उनका पैशन है बार बार ट्राई करें हो जाएगा. एंड दे शुड बिलीव इन देमसेल्व्स बजाय इसके कि लोग आकर आपको बताएं आप कर लेंगे आप कर लेंगे. तो दे शुड. सो थैंक यू ऑल. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस कॉफी विद सीईओ. और मुझे तो आज बहुत अच्छा लगा शाजिया से मिलके. और मैंने जो शाजिया से सीखा उसमें नंबर वन ऑल द शी हैवंट स्पोकन अबाउट इट बट मैंने जो चीज सीखी वो नंबर वन इज कंसिस्टेंसी. शी थॉट अबाउट लोशा 15 ईयर्स बैक और इन्होंने 10 साल उसको सिर्फ सोचा उसको सिर्फ सोचा और उसको एक्सप्लोर किया. मुझे ये चीज बहुत प्यारी लगी.
कि मतलब शी सेड कि आई थॉट अबाउट इट, मैंने इसको सोचा कि मैं कैसे करूंगी. इन्होंने मुल्को घूमा, इसको एक्सप्लोर किया, एंड आफ्टर 10 ईयर्स देन शी बेसिकली प्रैक्टिकली लॉन्च उषा ना. तो मुझे इन 5 सालों से ज्यादा वो 10 साल का अर्सा ज्यादा नजर आता है, वो इम्पोर्टेंट है. एंड नंबर 2 इज लाइक आई रियली इज द परफेक्शन, कि मतलब शी इज ऑलवेज कीन फॉर परफेक्शन. डेफिनेटली शी इज ऑल्सो हैविंग सो मेनी चांसेस फॉर वो कहना नहीं चाहिए मगर चाइनीज वाला नॉट द राइट फिट और वो, मगर कस्टमर सर्विसेज एंड देन द परफेक्शन. अगर आप एक सही चीज एक दफा किसी को दे लेते हो तो फिर डेफिनेटली जो उसका फीडबैक है ना वो सिर्फ आपका बिजनेस स्टेबल नहीं करता बट फिर वो सेंस ऑफ अचीवमेंट जो आपने बताया ना हमें, वेदर इट्स अ कैंसर पेशेंट कमिंग इन और वेदर इट्स सम कस्टमर सेंडिंग यू द थैंक यू नोट. सो और नंबर 3 इज हैंडलिंग द टैबू के लिए जो आपको अपने अंदर एक हौसला चाहिए वो मैंने इनसे सीखा कि इन्होंने कैसे अपनी फैमिली फ्रेंड्स को सहा होगा और उसके बाद जब इन्हें पब्लिक की तरफ से भी एक वो वाला सीन मिला के बाद मतलब द बॉयज आर सेंडिंग मैसेजेस और इनकी टीम को भी फिर बहुत ज़्यादा एडवर्स रिएक्शंस फेस करने पड़े. और इसके अलावा ये तो इन्होंने हमें 2-4 बताए, पता नहीं कितने ट्रिलियंस ऑफ केसेस होंगे विच शी मस्ट हैव फेस्ड नॉट ओनली ऑन पर्सनल लेवल बट ऑन प्रोफेशनल लेवल एज वेल. तो दीज आर द 3 की थिंग्स विच आई हैव लर्न फ्रॉम शाजिया. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग विद अस. और अगर आपके पास भी कोई अच्छी सक्सेस स्टोरी हो तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस, यू कैन इनबॉक्स अस और यू कैन सेंड अस एन ईमेल और हम लोगों के नंबर आर ऑलवेज देयर एट द बॉटम ऑफ आवर ऑल वीडियोज. सो कीप इन टच एंड कीप वॉचिंग अस. थैंक यू सो मच.